तो ये आप देख सकते हैं यूपी पुलिस और इसके साथ साथ यूपी एटीएस इस वक्त पर रेबराइन सिक्योरिटी जो कि नदी को पूरी तरीके से सिक्योर करेगी, क्योंकि एक बात ये कही जा रही है कि 22 तारीख को जो है वो प्रधानमंत्री सरयू की भी एक डुबकी लेंगे, सरयू नदी में डुबकी लेकर स्नान कर ही वो फिर प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में जुड़ेंगे। ये आप देख सकते हैं यूपी पुलिस और इसके साथ साथ यूपी एटीएस को इस समय पर रेबराइन सिक्योरिटी के तहत आप सरयू नदी का जो कि रामघाट राम की पैड़ी की तरफ का जो अलग अलग हिस्सा है उसको वो एक तरीके से पूरी तरीके से सिक्योर कर रहे हैं। जल थल और नभ तीनों जगह पर इस वक्त पर अलग अलग तरीके से सिक्योरिटी जो है वो आपको इस तरीके से चेक होती हुई नजर आएगी। हम इस वक्त पर सरयू तीरे हैं और यहां पर न सिर्फ ड्रोन्स को लेकर के अलग अलग चीजें चल रही हैं, जो पूरे के पूरे जो आसमान का प्रमाइसिस है, जो अयोध्या का प्रमाइसिस है, उसको पूरी तरीके से एयर सिक्योरिटी को टाइट करेगा। इसके अलावा इस तरह की जो सिक्योरिटी स्टेप्स हैं वो आपको रिवर साइड पूरी तरीके से सिक्योर कर देंगे, एंड देन फाइनली लैंड के लिए भी ये सारी की सारी एक्टिविटीज जो है वो आपको होती हुई नजर आने वाली है। तो इस तरह की रिपोर्ट जो है लगातार आपको मिलती रहेंगी यहां से, क्योंकि चाहे नदी हो चाहे जैसा मैंने कहा जल थल और नभ, हर तरीके से इस वक्त पर ये कोशिश की जा रही है कि सारी की सारी चीजों पर चप्पा चप्पा सिक्योरिटी जो है वो नजर आए, वो पूरी तरीके से एक तरीके से सैनिटाइज हो, और वो चीज आपको यहां पर सरयू के किनारे भी नजर आ रही है।